दोस्तों, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो आपकी सोच का दूरदर्शी होना बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, जितनी लंबी आपकी सोच होगी, उतनी दूर तक आप जाने का प्रयास करने की कोशिश करेंगे। भगवद गीता अनेक सफलताओं की चाबी है। इसमें अनेकों सफलता जीवन बातें हैं। इन बातों को अपनाने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। इनका अनुसरण करने वाले व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। ये मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। महाभारत की रणभूमि में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदों का सार है। गीता सिर्फ एक तरफा प्रवचन नहीं है, यह कृष्ण और अर्जुन के संवादों का एक संग्रह है। गीता का सौंदर्य ही अर्जुन द्वारा पूछे गए प्रश्नों और कृष्ण द्वारा दिए गए उत्तरों के मेल में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। जिस समाज में हम रह रहे हैं, कुछ वर्षों पहले तक ये ऐसा नहीं था और न ही हमेशा ऐसा रहेगा। शरीर जन्म लेता है और शरीर ही मरता है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही कभी मरती है, क्योंकि आत्मा तो अजर, अमर और अविनाशी है। व्यक्ति को कभी भी ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध भ्रम पैदा करता है और जिससे बुद्धि नष्ट हो जाती है। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहते हैं, तो इसके लिए आपको अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है, न कि अपना लक्ष्य। सभी मनुष्यों का निर्माण उनके अपने विश्वास द्वारा ही होता है। जो व्यक्ति जिस मान्यता पर भरोसा करता है, वो वैसा ही बन जाता है। अपने अनिवार्य कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि कार्य करना पूर्ण निष्क्रियता से बेहतर है। अपने मन से सभी प्रकार के भेदभाव, जैसे अपना पराया, छोटा बड़ा, मेरा तेरा, सब मिटा दें, फिर आप देखेंगे कि सब कुछ तुम्हारा ही है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यदि आपको क्रांतिकारी बनना पड़े, तो इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन सफलता सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार से सीख लेकर आगे बढ़ता है। यह सारा ज्ञान भगवद गीता में दर्ज है, जिसमें जीवन के बहुत से मूलभूत सिद्धांत बताए गए हैं, जिन्हें जीवन में उतार लिया जाए तो व्यक्ति को कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता है। वह हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हो जाता है। भगवद गीता में अर्जुन एक छात्र के रूप में गुरु कृष्ण से सीखता है और बिना किसी वाद विवाद और भेद के सभी शिक्षाओं को स्वीकार करता है। इसलिए हमें भगवद गीता को भी वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसे वह है, बिना किसी टिप्पणी के, बिना घटाए या बढ़ाए, बिना विरोध प्रतिवाद के और विषय वस्तु में बिना किसी कल्पना के। तो मित्रों, इस प्रकार से हम सबको अपने जीवन को सफलता पूर्वक बनाने के लिए इन बातों पर जरूर अमल करना चाहिए और इन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो दर्शकों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। कृपया अपना कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी चैनल पर नया वीडियो आए तो सर्वप्रथम आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।